परमानेंट वो फिक्स होती है और कुछ चीजें होती हैं वो टेम्परेरी वो फिक्स नहीं होती। तो जैसे हमने दूध ले लिया तो दूध के अंदर हमने क्या थोड़ी बहुत छाए या दही डाल दिया थोड़ा सा, तो फिर उसका क्या छाए बन गई, तो जो छाए बन गई फिर वो फिक्स है। फिर छाए से क्या वापस दूध बना सकते हैं? फिर छाए से अपन क्या उसको दूध नहीं बना सकते। तो जो परमानेंट होता है वो यही होता है, वो फिक्स होता है। तो हमने दूध के अंदर जब छाए डाल दी तो फिर दही बनेगा, दही के बाद में उसको अपन पीसेंगे, जैने के अंदर पीसेंगे तो उसके अंदर क्या वो क्या हो जाएगा, वो छाए बन जाएगी, छाछ बन जाएगी वो। तो परमानेंट तो होता है ये जो फिक्स होता है एकदम, और जो टेम्परेरी होता है ये तो फिक्स होता है, जो फिक्स नहीं होता है उसे बोलते हैं हम टेम्परेरी, है ना। टेम्परेरी कैसे, जैसे हमने पानी ले लिया तो पानी को अपन ने फ्रीज के अंदर रख दिया, तो पानी का फिर हम बाहर निकालेंगे और उसको गर्म करेंगे तो वो वापस क्या वाटर बन जाएगा, बर्फ की जगह। और फिर उसको अपन पानी को फिर वापस फ्रीज के अंदर रख देंगे तो वो क्या वापिस से बर्फ बन जाएगी। तो वो टेम्परेरी है, वो फिक्स नहीं है। तो हमने परमानेंट और टेम्परेरी की बात कर ली, अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। अब हम रिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे। ए चेंज विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय रिमूविंग द कॉजिंग, एक ऐसा चेंज जो वापिस अपनी पोजिशन में चेंज हो सकता है। जैसे हमने वाटर ले लिया तो वाटर को हमने फ्रिज में रखा तो उसकी क्या बर्फ जम गई, वाटर के अंदर क्या बर्फ जम गई, वाटर की बर्फ हो गई। तो बर्फ क्या फिर उसको अपन बाहर रख देंगे धूप के अंदर या अपन उसको बॉईल करेंगे तो वो क्या वापिस वाटर बन सकता है, वो वापिस वाटर बन सकता है। रिमूविंग द कॉजिंग, तो वो रिमूव हो सकता है। तो जो अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, वाटर का हमने एग्जांपल ले लिया कि वो ठंड उसकी बर्फ जम गई और उसका अपन ने क्या वापस से वाटर बना लिया बाहर रख के, तो जो पोजीशन चेंज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। अब हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे A change which cannot be reversed even by removing the cause. एक ऐसा चेंज जो वापिस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता। जैसे हमने आटा ले लिया तो अगर अपन आटे को पीस देंगे तो उससे क्या वापिस गेहूं नहीं बन सकता, है ना। सॉरी, जो गेहूं है तो अपन ने गेहूं को पीस दिया तो उसका आटा बन गया, तो फिर आटे को अपन क्या वापिस से गेहूं नहीं बना सकते। तो जिसको अपन वापिस से चेंज नहीं कर सकते, जैसे हमने आटा ले जो गेहूं है उसको पीस लिया तो वापिस उसका अपन गेहूं नहीं बना सकते। तो जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो हमने रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज की बात कर ली, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। अब हम रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल की बात करेंगे। वाटर कैन बी चेंज इनटू आइस बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजिंग चैम्बर ऑफ द फ्रिज। अगर अपन वाटर लेंगे और वाटर को क्या फ्रिज के अंदर रख देंगे, जो फ्रीजिंग चैम्बर होता है बर्फ वाले फ्रिज के अंदर, जो बर्फ वाला ढक्कन होता है उसके अंदर अपन उसको रख देंगे तो कुछ देर बाद में क्या होगा, वो क्या आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू आइस बाय प्लेसिंग इन द फ्रीजिंग चैम्बर ऑफ द फ्रिज। अपन उसको फ्रिज के अंदर जो बर्फ वाला डिब्बा होता है उसके अंदर अपन र...
रख देंगे। The ice so formed can be converted back into water by placing it outside of fridge. तो हमने उसको फ्रिज के अंदर रखा वाटर को और उस बर्फ वाले के अंदर, है ना, फ्रिज के अंदर अपन ने उसको बर्फ वाले के अंदर रख दिया वाटर को, तो उसका क्या हो गया, वो उसके आइस जम गई तो वो बर्फ बन गई उसकी। और फिर उसको अपन ने जो आइस बनी हुई थी उसको अपन ने क्या फ्रिज के बाहर निकाला, कुछ देर के लिए अपन ने उसको फ्रिज के बाहर रख दिया, धूप में रख दिया मान लो या बाहर रख दिया, into water by placing it outside of fridge. तो वो वापिस से क्या वो वाटर बन जाएगा, तो वो वाटर वापिस बन जाएगा। अगर वो फ्रिज में रखा हुआ था, वो फ्रिज में रखा हुआ था तो उसकी आइस बन गई थी, बर्फ वाले डिब्बे में रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, और उसको बाहर निकालते क्या आइस का वाटर बन गया। तो हमने रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल देख लिए, अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम रिवर्सिबल चेंज के दो एग्जांपल और देख लेते हैं, चेंज ऑफ सीजन्स। तो जो सीजन्स होती है, तो जैसे विंटर आ गया तो विंटर, फिर विंटर के बाद में क्या सीजन आते आते वापस विंटर आ जाएगा, और समर है तो समर चलते जैसे विंटर आएगा, फिर ऐसे आते आते वापस समर आ जाएगा। तो चेंज ऑफ सीजन, सीजन्स का चेंज होना वो वापस से आ जाता है, जो चीज़ वापस से आ रही है ना, वो आइस का भी हमने एग्जांपल ले लिया, और जो सीजन होती है वो भी वापस ही आ जाती है अपनी सीजन में, तो वो भी रिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है। टीयरिंग ऑफ सीट पेपर, तो जो सीट पेपर होता है, जैसे हमने ये एक पेपर ले लिया तो इसके मान लो अपन ने यहाँ पे काट दिया, तो अपन ने इसको यहाँ पे मान लो फाड़ दिया, इतना इसको अपन ने फाड़ा तो ये क्या वापस जुड़ सकता है ना, इसको अपन किससे जोड़ देंगे, इसको अपन जो गम होता है इसको अपन फेविकोल से चिपका सकते हैं, इसको अपन फेविकोल से चिपका सकते हैं, और फिर ये चिपक भी जाएगा। तो टीयरिंग ऑफ शीट पेपर भी रिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है, तो ये पेपर से वापस इसको चाहे फाड़ लो ये वापस से भी जुड़ सकता है। तो हमने रिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल की बात कर ली, अब हम इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल की बात करेंगे। अब हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, बर्निंग ऑफ पेपर। जैसे हमने पेपर है तो पेपर को जला दिया, तो पेपर को जलाने के बाद क्या वो वापस से पेपर बन सकता है, वो वापस से फिर पेपर नहीं बन सकता, तो वो वापस से पहले की जैसे कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो जो पहले की जैसे कन्वर्ट नहीं हो सकती उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, और जैसे हमने खाना बना लिया तो हमने जैसे वेजिटेबल को कुक कर लिया, कुकिंग ऑफ फूड या वेजिटेबल लिख दो यहाँ पे। जैसे हमने सब्जी बना ली तो वो वापस से क्या, हमने आलू की सब्जी बनाई तो उसको हमने पकाया, तो फिर वो क्या वापस से आलू बन के जुड़ सकता है, वो नहीं जुड़ सकता। फ्राइंग ऑफ एग, तो जो अंडे होते हैं उसको अपन ने फ्राई कर लिया, तो फ्राई करने के बाद में क्या वो वापस से एग बन सकते हैं, वो एग नहीं बन सकते। बर्निंग ऑफ वुड, और हमने लकड़ियों को जला दी, तो लकड़ियों को जलाने के बाद क्या वो वापस से वुड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, वो फिर वुड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हमने इरिवर्सिबल चेंज के एग्जांपल देख लिए, जो पहले के जैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो कन्वर्ट पहले की जैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।